PID, botanical name of PID, registered family Gramineae, Apoaceae, chromosome 2 and 24, origins of East Asia, maximum area world, India, world maximum production China, first rank India, maximum area and production West Bengal, maximum productivity Punjab, self pollinated crops of the plant and C3. सोडे प्लांट इसलिए क्योंकि खरीफ क्रॉप सीजन का क्रॉप है, खरीफ सीजन वाले क्रॉप सारे सोडे होते हैं और अभी वाले लॉन्ग डे होते हैं। फ्रूट है पेरियोप्सिस, कॉमन इन ऑल सीरियल्स। राइस इन पोर्शंस, पेनिकल्स, सोरगम में भी पेनिकल्स होता है। टेस्ट वेट, वेट ऑफ 1000 ग्राम्स टेस्ट वेट। सीड इंडेक्स होता है वेट ऑफ 100 सीड्स। स्पेसीज की बात करते हैं, राइस की 24 स्पेसीज होता है टोटल, 7 टेट्राप्लॉइड बाकी डिप्लॉइड होता है। इसमें ओराइजा ग्लेबेरिमा और ओराइजा सैटिवा मात्र दो ही स्पीशीज का कल्टीवेशन होता है, ग्लेबेरिमा अफ्रीका और इसका इंडिया और सेंट्रल एशिया। ओराइजा सैटिवा का 300 स्पीशीज है, ओराइजा सैटिवा इंडिका, ओराइजा सैटिवा जैपोनिका और ओराइजा सैटिवा जवेनिका। ओराइजा सैटिवा इंडिका इसका होता है इंडिया में होता है, इसको ट्रॉपिकल राइस भी बोलते हैं, और इसका जापान में इसको सब ट्रॉपिकल टेम्परेट राइस भी बोलते हैं। इसको ओराइजा सैटिवा जवेनिका इंडोनेशिया में होता है, इसको वाइल्ड राइस या बालू राइस भी बोलते हैं। साइंटिस्ट मानते हैं कि जो ओराइजा सैटिवा है ओराइजा निगोरा से एक वाइल्ड स्पीशीज है, इसी से बना हुआ है। मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं, ये राइस का प्लांट होकर बहुत सारे नोड होते हैं, जो नीचे वाला नोड होता है फाइबरस रूट बनाता है, ठीक है। फाउंड इन ऑल सीरियल्स, सारे सीरियल्स में फाइबरस रूट होता है। टाइप रूट किसमें पल्सर लगी में होता है। ये एक सीड लेते हैं पेडी का, ऊपर पिमिल, नीचे रेडिकल, रेडिकल प्राइमरी रूट से माइनर टेम्पररी रूट बनाता है, पिमिल से आगे लंबा स्टेम बनता है, और स्टेम का जो नीचे वाला नोड होता है उसी से क्या होता है एडवेटिशियस फाइबर से परमानेंट रूट बनता है। ये स्टेम मॉर्फोलॉजी में बनाते हैं, स्टेम बहुत सारे नोड होते हैं, हर नोड से लीफ बनता है, नीचे वाला जो नोड होता है उसे फाइबरस रूट बनता है, और टिलर भी उसी से बनता है। और हर जैसे फर्स्ट टिलर निकला उसमें एक नोड होगा, उसे सेकेंडरी टिलर बनेगा, फिर उसमें नोड होगा, फिर टर्शियरी टिलर बनेगा, ठीक है। लेकिन जो पहला टिलर बनता है इसके मेन वाले प्लांट से बनता है, और एक टिलर हर टिलर को तोड़ के दूसरे लगा दें तो क्या करेंगे, सेपरेट प्लांट बन जाएगा। टिलर एक्टिंग ऐसे लीफ फ्लैग लीफ होता है, फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस करता है। सीड के ग्रेन्स की बात करते हैं, जैसे पेडी लेते हैं इसके छिलका काटते हैं, बड़ा वाले लेना है और इसको पेरिया बोलते हैं, ठीक है। ग्लूम हस्क हल छिलका क्या बोलते हैं, ग्लूम हस्क हल बोलते हैं। ये लेमा और पिलिया कंसिस्ट करता है, और बीच में जो एक फ्रूट है इसको करियंस बोलते हैं, करियोप्सिस, ठीक है। ऑन्स जो होता है एक्सटेंशन ऑफ लेमा है, सॉइल एंड क्लाइमेट की बात करते हैं, ये खरीफ सीजन का क्रॉप है, वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, सॉइल क्लियर एंड लोमी, पीएच 4 to 6, अर्लीस्ट ऑटम 20 से 35 डिग्री, ब्लूमिंग ब्लूमिंग फ्लावरिंग टेम्परेचर 26 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर 20 से 30 कोल्ड एंड ड्राई सीजन चाहिए 20 से 22 डिग्री, क्योंकि राइपनिंग जो हार्वेस्टिंग के टाइम लगभग वो कोल्ड एंड ड्राई सीजन ही होता है उस टाइम 20 से 22 डिग्री। यदि टेम्परेचर 35 से 37 से ज़्यादा हो जाए तो पोलिंग ब्रस्ट कर जाए, पोलिनेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, सीड लॉस नहीं बनेगा, इस प्रकार सीड लॉस से होगा। यदि 20 से कम हो जाए तो इम्परफेक्ट फिलिंग ऑफ द ग्रेन होगा, यदि 12 से कम हो जाए तो प्लांट पूरा स्टराइल हो जाए, एक 20 सीड उसमें नहीं बनेगा, ठीक है। थैंक यू।